जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंशिएट भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर, पर मैं समझता हूं उसके बावजूद भी जो 75 साल के बाद में निभा लिया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो विंग है उसको, जिस रूप में यहाँ पर इंडिपेंडेंट मिली है और जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि संतोषप्रद है। कई बार थोड़ा कई महसूस होते हैं, मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने जब प्री प्रेस खत्म किए थे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, तो इसी जुडिशरी ने उनको रद्द कर दिया था और बाद में ये स्थिति बनी कि वापस फैसले पक्ष में भी आए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण भी हुए और उसके परिणाम आप देख रहे हो कि किस प्रकार से गांव-गांव में बैंकें खुल गई। कोई जमाना था कि मालिक ही बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है कि आपकी विंग जो है, आपका जो सम्मेलन है और आप जो पीठासीन अधिकारी है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका एहसास सबको है, सबको है। और जो सम्मान आपका है, मान सम्मान, मैं समझता हूँ कि वो एक अलग तरह का स्थान रखता है देश की राजनीति में भी, लोकतंत्र के अंदर भी।